खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटे जा रहे आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरे के जंगलों में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरे के जंगल के 2700 पेड़ काटे जाने थे। रोक का फैसला जब आया तब सरकार ने कोर्ट में खुलासा किया कि काम लायक पेड़ काटे जा चुके हैं, आगे से पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो मुंबई की आरे कॉलोनी में 2700 पेड़ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने थे, उसके खिलाफ मुंबई की सड़कों पर कई दिनों से प्रदर्शन भी हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने तुरंत पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। लेकिन इस पूरे फैसले को भी आप आसानी से समझिए, आरे में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जितने चाहिए थे उतने पेड़ कटने के बाद ये रोक लगाई गई है। जब तक ये मामला कोर्ट पहुंचा तब तक जितने पेड़ चाहिए थे काट लिए गए आरे के जंगल में, लेकिन आगे कोई पेड़ नहीं कटेगा। सरकार ने अपना काम कर लिया तब जाकर ये रोक लगी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि कैसे जीत कर भी हार गए पर्यावरण प्रेमी। पर्यावरणवादियों की याचिका पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी हो, लेकिन उनके लिए एक तरह से ये जीत कर हारी हुई जंग की तरह है। क्योंकि अगर हम बात करें आरे के जंगल के उन पेड़ों की, तो उनकी कटाई कारशेड की खातिर शुक्रवार शाम से ही शुरू हो चुकी थी और ये काम शुक्रवार की रात भर चलता रहा, शनिवार दिन भर चलता रहा, शनिवार की रात को चलता रहा, रविवार को चलता रहा। और इसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त आदेश दिया तब तक यहां पर 2000 से ऊपर के पेड़ काटे जा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन सरकार को जो काम करना था, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जो काम करना था, उसने अपना काम कर लिया है। और अगर ये राहत पहले मिली होती तो शायद उन पेड़ों को बचाया जा सकता था। ये पूरा विवाद यहां से करीब 12 किलोमीटर आगे एक जगह है जहां पर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेट्रो लाइन 3 जो कि उपनगर सीफ्ट से लेकर के दक्षिण मुंबई के कोलाबा तक जाएगी, उसके लिए एक कार शेड, एक डिपो यहां पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया और जिसके लिए करीब 2500 पेड़ों को काटा जाना था। और बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके विरोध में अर्जियां दाखिल की गई और शुक्रवार को जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया, जो एनवायरमेंटलिस्ट की जो दलीलें थी कि एक फॉरेस्ट एरिया है और यहां पर पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, डिपो को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, जब उन दलीलों को खारिज कर दिया तो उसके तुरंत बाद से ही यहां पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। और जब ये बात एनवायरमेंटलिस्ट को पता चली, पर्यावरण प्रेमियों को पता चली, तो उन्होंने यहां पर आकर घेराव करना शुरू कर दिया और उसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई और वाहनों के आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। यहां पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। करीब 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कल उन्हें जमानत पर रिहा किया गया और अभी भी हम देख सकते हैं पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है और वाहनों को यहां से आगे की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। एक जगह यहां बैरिकेडिंग है, इसके आगे भी जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है और जिस जगह पर यह डिपो बनना और जहां पर पेड़ों की कटाई हुई है वहां तक किसी को एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।